प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका और रूस की एंट्री भी तय मानी जा रही है। कुछ दिनों पहले फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने इसराइल पर रॉकेट हमले किए, इसके बाद इसराइल ने बमबारी किया, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करके इसराइल पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करके इसराइली हमले को तुरंत बंद करवाने की मांग की है। फिलिस्तीन ने अमेरिका से साफ कहा है कि जब तक इसराइल के हमले बंद नहीं होते हैं, क्षेत्र में शांति बहाली नहीं हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, पत्रकारों और आम लोगों की जिंदगी पर चिंता जाहिर की। यह बयान उस समय आया है जब इसराइली हमले के बाद मीडिया की एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन सब के बीच इसराइली और फिलिस्तीन का संघर्ष गहराता जा रहा है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन और हमास को हमला रोकने के निर्देश दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस संघर्ष के लिए इसराइल कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। हम पर फिलिस्तीन ने हमला किया और हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारा ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक जरूरी होगा हम दुश्मनों पर हमले करते रहेंगे। दरअसल 10 मई से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से इसराइल पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं, जबकि इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। गाजा में इसराइल हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। सीमा पर इजरायली आर्मी को भी तैनात कर दिया गया है। कुल मिलाकर यह है कि अभी इसराइल शांत बैठने के मूड में नहीं है और हमास भी लगातार हमले करने में जुटा हुआ है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।